Hello children, welcome to your English video class. Children, you must be knowing that we are doing the exercises from your grammar book, that is Superb English Grammar Book. And till now we have completed unit 18 and unit 19 we are doing and about to complete. Isme bahut thoda sa abhi bacha hai, that we will complete today. Children, I hope you all are watching the videos regularly, and if not, then I would advise you, I would suggest you to please watch it regularly, because each and every exercise is solved in the video. जो भी इसमें सॉल्व करने लाइक जितने भी एक्सरसाइज है वो सारी सॉल्व की जाती हैं. बट नाउ ऑनवर्ड्स जो आपकी फॉर्मेटिव एक्टिविटीज हैं या उसके बाद की हैं, देर आर मेनी सच एक्टिविटीज विच यू हैव टू डू योर सेल्फ, आपको उसे खुद करना होगा. तो अगर आपने पिछले वीडियोस देखी होंगी तो आपका जो ग्रामर का जितना भी आपने सीखा होगा उसके बेसिस पर आप आगे की जो यूनिट है वो आप सही से कर पाएंगे. ठीक है, अभी आप देखेंगे कि कई ऐसे कॉम्पोजिशंस वगैरह होंगे जो आपको खुद से लिखना होगा. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट यू दैट यू मस्ट वॉच द वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिए. ठीक है, एंड वी विल कंप्लीट, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट वी विल स्टार्ट द न्यू वन वेयर यू हैव टू राइट मेनी थिंग्स बाय योरसेल्फ. चिल्ड्रन, ये जो फॉर्मेटिव एक्टिविटीज वाला जो यूनिट है, इसमें जो लोग रेगुलरली देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि वी हैव डन सर्टेन एक्टिविटीज. वर्चुअली हम जितना मैं आपको बता सकती थी वो मैंने आपके साथ एक दो एक्टिविटीज करके बताया. और ये जब ये एक्टिविटीज बेसिकली क्लास में की जा सकती हैं, बट सिंस वी आर नॉट इन द क्लास नाउ we will feel as if we are in class and we will try to do these. Some of the activities we can do in the online classes also, which we will definitely do. Children, we have done an activity that is called jump into the pond. Ek jump into the pond activity kiya tha jisme ki alag alag jo parts of speech hai uske ponds the, jaise noun ka pond, preposition ka, verb ka, adjective ka, pronoun ka, अलग अलग पॉइंट्स थे. और इस एक्टिविटी में क्या करना था कि बहुत सारे स्लिप्स होंगे, उसमें से एक स्लिप बच्चा पिक करेगा. द स्टूडेंट विल पिक अ स्लिप, रीड द वर्ड, द स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई वेदर द वर्ड इज नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और प्रपोजिशन, एंड अकॉर्डिंगली ही विल जम्प इन टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अगर स्लिप में जो वर्ड है वो नाउन है तो स्टूडेंट विल जम्प इन टू द पॉन्ड ऑफ नाउन. अगर उस स्लिप पे जो लिखा हुआ वर्ड है वो प्रपोजिशन है तो स्टूडेंट विल जम्प इन टू द पॉन्ड ऑफ प्रपोजिशन. इफ इट इज वर्ब द स्टूडेंट विल जम्प इन टू द पॉन्ड ऑफ वर्ब एंड सो ऑन. सेम स्लिप कैन बी यूज मेनी टाइम्स. आप एक ही जो बंच ऑफ स्लिप्स बने होंगे, बाउल ऑफ स्लिप, वो कई बार रिपीट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक स्टूडेंट जिसने पहले जो स्लिप उठाई हो, नेक्स्ट टाइम उसे दूसरी स्लिप मिले, दूसरा वर्ड मिले, और फिर वो वर्ड हो सकता है कि नाउन ना, पहला वर्ड उसे नाउन मिला होगा, हो सकता है कि नेक्स्ट वर्ड उसे क्या मिलेगा, प्रपोजिशन मिल सकता है, उसे वर्ब मिल सकता है ना. कोई भी ऐसा नया वर्ड उसे, सेम वर्ड जरूरी नहीं कि रिपीट हो, तो इसलिए वो सेम स्लिप आप कई बार उसको आप यूज कर सकते हो. ठीक है, अ टीचर कैन यूज द सेम स्लिप्स मोर देन टू थ्री टाइम्स. ओके, नाउ एक और हमने एक्टिविटी की थी जिसमें था सर्च माय पार्टनर. सर्च माय पार्टनर में क्या था कि दो स्टूडेंट होंगे एंड दे विल एक्ट एज पार्टनर. एक जो स्टूडेंट है वो कोई एक वर्ड बोलेगा और दूसरा स्टूडेंट उस वर्ड को डिस्क्राइब करेगा. ही विल यूज टू डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड. कोई भी एक वर्ड बोलना है और उसका पार्टनर जो है उन वर्ड को डिस्क्राइब करेगा, मतलब एडजेक्टिव्स यूज करने हैं. एग्जाम्पल, अगर ये चौक है, एक बच्चे ने बोला चौक, तो दूसरा उसके लोग कैसे डिस्क्राइब करेगा, व्हाइट चौक, स्मॉल चौक. ओके, तो व्हाइट एंड स्मॉल दो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हो गए, है ना. ऐसे ही कोई भी वर्ड, दुपट्टा, व्हाट एडजेक्टिव कैन बी यूज, रेड दुपट्टा,
लॉन्ग दुपट्टा, तो रेड एंड लॉन्ग यूज हो गया। इसी तरह से कोई भी वर्ड्स बोलकर उसको हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इस बोर्ड, मैंने बोला बोर्ड, तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे? ग्रीन बोर्ड, तो ग्रीन वर्ड यूज किया। स्मॉल बोर्ड, स्मॉल वर्ड यूज किया। तो इस तरह से कोई भी एक पार्टनर कोई भी एक वर्ड बोलेगा और दूसरा पार्टनर उसको डिस्क्राइब करेगा। गॉट इट? तो अब हम करेंगे एक और एक्टिविटी जिसका नाम है फॉर्म वर्ड ट्रेन। क्या करेंगे हम आज? फॉर्म वर्ड ट्रेन। आप सोचोगे इसमें कौन सी ट्रेन बनानी है, वर्ड की ट्रेन कैसे बनेगी, तो इसे भी हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखते हैं कि वर्ड की ट्रेन कैसे बनती है। ट्रेन आप सबने देखी है, सब एटलीस्ट वंस तो सभी लोग ट्रेन में बैठे ही होंगे, है ना। एक ना एक बार तो सभी ट्रेन में बैठे हैं। इट मीन्स एवरीबडी हैज सीन ट्रेन। ट्रेन में एक इंजन होता है और पीछे जो डब्बे होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बोगीज होती है ना। एक इंजन और बाकी सारी बोगीज होती हैं। पर यहाँ पर जो हमारी वर्ड ट्रेन है इसमें भी इंजन है, ठीक है। उस इंजन के ऊपर लिखा है नाउन, ठीक है। वो नाउन की ट्रेन है, ट्रेन का नाम है नाउन ट्रेन। जैसे ट्रेन के नेम होते हैं ना, शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, ऐसे ट्रेन के नेम होते हैं, तो वैसे ही ये जो वर्ड ट्रेन है इसमें भी ट्रेन का नाम है। ट्रेन का नाम क्या है? पहली जो ट्रेन है उसका नाम है नाउन ट्रेन, ठीक है। फर्स्ट ट्रेन का नाम है नाउन ट्रेन, मतलब इसमें सिर्फ नाउन ही बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। ये वाली जो ट्रेन है इसमें सिर्फ नाउन्स बैठेंगे और कोई नहीं बैठेगा, मतलब सिर्फ वो वर्ड्स आएंगे जो नाउन्स हैं। नाउन्स क्या होते हैं ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं ना। व्हाट आर नाउन्स? एनीथिंग दैट वी सी, ऑल इज नाउन, है ना। नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, बर्ड्स, व्हाटएवर, जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं वो सारे क्या है? नाउन है। जिनके भी नाम होते हैं वो सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ये चौक नाउन है, बुक नाउन है, बोर्ड नाउन है, जो भी चीज का नाम है, इसका कुछ नाम है डस्टर, तो ये भी नाउन है। जिस भी चीज का नाम होगा वो नाउन होता है। तो ये जो आपकी जो ट्रेन है, नाउन की जो ट्रेन है, इस ट्रेन में सिर्फ वही वाले वर्ड्स जाएंगे जो नाउन्स होंगे, ठीक है। बाकी कोई भी वर्ड्स नहीं जा सकता। अब क्या करना है कि हम ये ट्रेन जो है ऐसे ही रफ सा बना लेते हैं। अब ये इसके बोगीज हैं, टू थ्री एंड चलिए। वैसे तो जो ट्रेन्स होती हैं उसमें तो बहुत सारी बोगीज होती हैं, बहुत सारे डब्बे होते हैं ना, लेकिन ये जो नाउन ट्रेन है इसमें सिर्फ फोर डब्बे हैं, ठीक है। फोर ही इसमें बोगीज हैं। अब इसमें करना क्या है? इसमें आपको सिर्फ क्या लिखना है? नाउन्स वाले वर्ड ही लिखने हैं और कुछ नहीं लिखना है, ओके। और वो भी कैसे लिखना है? सब कनेक्टेड रहेंगे। कनेक्टेड कैसे रहेंगे? जैसे कि पहला वर्ड है बलून, फर्स्ट वर्ड हमने लिखा बैलून। मैं नीचे लिख देती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ट्रेन तो बना दिया था मैंने ऐसे बताने के लिए। फर्स्ट वर्ड है बलून। तो जो सेकंड वर्ड होगा वो एन से स्टार्ट होगा।
जो सेकेंड डब्ल्यू में जो नाउन वर्ड होगा, जो नाउन होगा, जो वर्ड्स हैं, वो एन से ही स्टार्ट होना चाहिए। आपको समझ में आ रही बात? फर्स्ट वर्ड हमारे जैसे बलून दिया हुआ है, तो बलून किससे खत्म होता है? उसका बलून की स्पेलिंग कहाँ पे आके रुक रही है? एन, है ना। बलून का एंड किससे हो रहा है? एन से। तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो एन से स्टार्ट होना चाहिए और वो नाउन होना चाहिए, ठीक है। वर्ड एन से स्टार्ट होना चाहिए और वो नाउन होना चाहिए। तो सोचिए कौन सा वर्ड होगा, सोचिए कौन सा वर्ड हो सकता है। नोज, नोज लिख सकते हैं, नेस्ट लिख सकते हैं, नेट लिख सकते हैं, है ना। और एन से नोज बोला मैंने, नेट बोला, नेस्ट बोला, और एन फॉर। पर वो वर्ड मैंने बताया ना कि नाउन ही होना चाहिए। चलिए हमको जो अभी हमें जो याद आ रहा है उसके हिसाब से लिख लेते हैं। तो हम नोज लिख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा हो गया नोज, मतलब ई। किससे खत्म हुआ? ई से एंड हुआ। अब जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो ई से स्टार्ट होना चाहिए और वो एक नाउन होना चाहिए, ठीक है। ई से स्टार्ट होगा और वो नाउन होगा। तो ई से क्या हो सकता है? ई से एग हो सकता है ना। ई से ईयर हो सकता है। ई से ईगल हो सकता है ना। ई से इंजन हो सकता है। और चलो इतने तो बहुत है ना हमारे पास। चलो इजी वाला लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं ईयर। ये ई से एंड हुआ था ना स्पेलिंग, तो हमारी स्पेलिंग अब ई से स्टार्ट हुई, जिससे पहला वाला लेटर एंड होगा, नेक्स्ट लेटर उसी, नेक्स्ट जो वर्ड है, पहला वर्ड जिस लेटर पे एंड हो रहा है, पहले वर्ड जो है वो जिस लेटर से एंड हो रहा है, नेक्स्ट जो वर्ड है वो उसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। अब ये जो लेटर है, ये जो वर्ड है, सॉरी ये जो वर्ड है, ये ई से एंड हो रहा है, तो नेक्स्ट वर्ड ई से स्टार्ट होगा, ईयर हो गया। अब यहां पर ये जो वर्ड है ये किससे एंड हो रहा है? आर से, है ना। आर से ये एंड हो रहा है, तो इसका मतलब जो हमारा नेक्स्ट वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? इट शुड स्टार्ट विथ आर। यस, जो हम नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे वो आर से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन वो कोई भी वर्ड नहीं चलेगा, वो नाउन होना चाहिए, ठीक है। आर से स्टार्ट होना चाहिए और नाउन होना चाहिए। तो आर फॉर रोज हो सकता है, रैट हो सकता है, है ना। एक और डिब्बा है इसमें ना, एक फाइव डब्बे है। आर फॉर रोज, आर फॉर रोज, है ना। अब नेक्स्ट फिर ई से शुरू होना चाहिए, क्योंकि जहां से आगे वाला लेटर, आगे वाला वर्ड जिस लेटर पे एंड हो रहा है, यहां पर ये ई से खत्म हो रहा है ना। देखिए ये आर से एंड हो रहा था तो हमने आर से स्टार्ट किया, अब ये ई से खत्म हो रहा है तो ई से स्टार्ट होगा। अब ई से कौन सा वर्ड लिख सकते हैं हम, जो नाउन है? एग, एग ले लेते हैं। लेट्स टेक एग। ओके, हमारा ये अब ध्यान से देखिए, हमारी ट्रेन बन रही है ना, चेन जैसा बन रहा है ये। देखिए एन से एंड हुआ तो ये एन से स्टार्ट हुआ, ये ई से एंड हुआ तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है, ये आर से एंड हुआ तो ये आर से स्टार्ट हो रहा है, और ये ई से एंड हुआ तो ये ई से स्टार्ट हो रहा है। इट मीन्स वर्ड की हमारी जो चेन है, जो ट्रेन है, वो बन गई, और सारे वर्ड्स जो है वो क्या है? नाउन है। ऑल द वर्ड्स आर नाउन। और ये ट्रेन आप आगे भी बढ़ा सकते हो, आप चाहो तो इसको आगे खींच सकते हो। ई से खत्म हुआ, आगे एक और बोगी लगा दिया, तो उस बोगी में जो वर्ड होगा वो भी नाउन होगा, और वो जी से स्टार्ट होगा, तो जी से आप गन बोल सकते हो, जी यू एन, गन। फिर आगे एक और बोगी जोड़ दो, उसमें भी जो वर्ड होगा वो किससे फिर स्टार्ट होगा? जी यू एन। लास्ट लेटर क्या है? एन है। तो नेक्स्ट जो वर्ड है किससे शुरू होगा? एन से। एन से नेस्ट बोल सकते हो, है ना, एन ई एस टी,
फिर उसके बाद एक और बोगी होगी, तो उसमें किससे वर्ड शुरू होगा? टी से शुरू होगा, टी से टी आर ए आई एन, ट्रेन हो जाएगा। ऐसे ही आप चाहो तो इस ट्रेन को में और बोगीज और डब्बे एड ऑन कर सकती हो, मतलब वो जो नाउन की ट्रेन है वो लंबी हो सकती है बाय एडिंग ऑन मोर एंड मोर नाउन्स टू इट, एंड दोज नाउन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ दिस चेन, पर वो सारे नाउन जो है वो इसी इस चेन के जैसे होने चाहिए। गॉट इट? ये आपको समझ में आया? नाउन की ट्रेन आपको समझ में आ गई? मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेन पर। ये एक ट्रेन खत्म हो गई, अब ये चली गई, नाउन की ट्रेन चली गई। अब प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन आएगी। अब कौन सी ट्रेन आएगी? लेट्स सी। Let's take the another train. अब प्लेटफॉर्म पे दूसरी ट्रेन आ गई। अब ये कौन सी ट्रेन है? इसका नाम है इस ट्रेन का नाम है वर्ब ट्रेन। अब आपने गेस तो कर ही लिया होगा कि इस ट्रेन का क्या होगा, इसमें क्या करना है। इस ट्रेन में कौन चढ़ेगा? Only verbs, yes. इस ट्रेन में सिर्फ verbs आएंगे, और वो verbs जो है वो कैसे होंगे? वो भी एक chain बनाएंगे। ये भी जैसे noun की chain थी वैसे ही इसमें भी verbs की chain बनेगी। जो भी words होंगे वो verbs होंगे, वो जो भी words इस ट्रेन में आएंगे वो सारे verbs होंगे, action words होंगे, और जो first word होगा उसके last letter से next word start होगा। हर वर्ड के लास्ट लेटर से नेक्स्ट वर्ड जो है वो स्टार्ट होगा। ओके, तो चलिए ड्रॉ कर लें। अब ये जो ट्रेन है ये इस तरफ से जा रही है। चलिए मैं यहां ट्राई करती हूं बनाने का। चलिए हमारी जो ट्रेन है वो बन रही है, एक रफ ट्रेन हम बना रहे हैं। दिस द नेम ऑफ दिस ट्रेन इज वर्ब ट्रेन। अब इसमें कौन बैठ रहा है? वर्ब्स बैठ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम, तो इसमें पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहां पर एक वर्ड दिया है रीड। ओके, द वर्ड इज रीड। हमारा वर्ड है रीड, पढ़ना। एक्शन वर्ड है ये, वर्ब है ना रीड। रीड इज अ वर्ब, मतलब रीडिंग करना, पढ़ाई करना, कोई भी स्टोरी बुक्स पढ़ना या कोर्स की बुक पढ़ना, रीडिंग इज एक्शन। अब हमें क्या करना है? जो नेक्स्ट वर्ड है वो डी से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। जो आपका जो नेक्स्ट वर्ड है वो किससे स्टार्ट होगा? डी से, और वो एक्शन वर्ड होना चाहिए। अब डी से कौन सा एक्शन वर्ड हो सकता है? डांस, डी फॉर डांस, है ना। डी से डांस हो सकता है। यहां जगह आपको अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपके लिए नीचे भी लिख देती हूं।
अब इस डी से हमारा बन रहा है डांस. डांस एक्शन वर्ड है ना, डांस इज अ एक्शन वर्ड. चलो ये हम क्यों ऐसा बना रहे हैं, आप देखते होंगे कि ट्रेन की बोगी सब आपस में कनेक्टेड होती है ना, कि ऐसा थोड़ी ना कि इंजन अलग जाता है सारी बोगीज अलग अलग जाती हैं, सब आपस में क्या होती है कनेक्टेड होती है. बोगीज जो होती है ट्रेन के जो डब्बे होते हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं ना, कनेक्टेड होते हैं. तो ये जो हमारा जो ट्रेन है ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, देखिए डी डी से कनेक्टेड है. अब यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड होगा वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, जो नेक्स्ट वर्ड है वो किससे स्टार्ट होगा, ये कहाँ पे खत्म हो रहा है हमारा, ये ई से एंड हो रहा है, डी ए एन सी ई लास्ट लेटर है ई. तो जो नेक्स्ट वर्ड है वो किससे शुरू होगा, जो नेक्स्ट वर्ड है वो शुरू होगा ई से और वो एक्शन होना चाहिए. अब ई से क्या एक्शन हो सकता है, ई से क्या एक्शन करते हैं हम, ईट. ई से ई चेक करते ना टी, ये ई से शुरू हुआ ठीक है, टी से हमारा ई से स्टार्ट होगा, यहां ई पे एंड हुआ तो ये ई से स्टार्ट हुआ ईट, ई ए टी. अब जो नेक्स्ट लेटर है वो किससे शुरू होना चाहिए, टी से, और ये जो टी है ये क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए. आपको आपको ये समझ में आ रहा है ना किस तरह से, डी ए एन सी ई डांस, ई से ई ए टी ईट, अब नेक्स्ट वर्ड टी से. ओके तो आप जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो हम टी से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये अब ये देखिए कनेक्ट हो रहा है ना ई ई, अब टी ठीक है, टी हो और वो क्या है वर्ब भी हो, टी से स्टार्ट हो और वो एक्शन वर्ड हो. तो टी से कौन सा एक्शन वर्ड हो सकता है, कैन यू थिंक ऑफ, अभी मैं क्या कर रही हूं, आई एम टॉकिंग, बात कर रहे हैं ना आपसे, तो ये क्या है टॉक, टॉकिंग भी एक्शन है. हम लिखेंगे टी ए एल के टॉक है ना, टी ए एल के. अब देखिए ये टी कनेक्ट हो गया, टी से ये एंड हुआ, टी से ये स्टार्ट हुआ, अगला वर्ड टी से स्टार्ट हुआ, टी ए एल के टॉक, इसको बोलते हैं टॉक, एल इसमें साइलेंट है तो वी कॉल इट टी ए एल के टॉक. अब हमारा जो लेटर है वो है के, मतलब जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होगा वो के से स्टार्ट होना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विथ के से शुरू करें नेक्स्ट वर्ड, क्या होगा के से नेक्स्ट वर्ड, के फॉर एक्शन वर्ड किक, यस के फॉर किक, बॉल को जैसे आप किक करते हो के आई सी के किक. नेक्स्ट वर्ड है के आई सी के किक, जैसे हम बॉल को या फुटबॉल को किक करते हैं, किसी को लात मारते हैं पैर से, दैट इज कॉल्ड किक, वो भी एक्शन है, किक इज एक्शन एंड इट इज स्टार्टिंग विद के. तो हमारी जो है ट्रेन जो है वर्ड ट्रेन है, और ये ट्रेन का नाम है वर्ब ट्रेन, ये भी अब पूरी हो चुकी है, वर्ब ट्रेन इज रेडी. इसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सारे के सारे क्या है, वर्ब्स हैं, वो सारे क्या है एक्शंस हैं, और वो एक्शंस इंटर जो स्पेलिंग्स हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं. देखिए टी डी से कनेक्ट हो रहा है, ई ई से कनेक्ट हो रहा है, टी टी से कनेक्ट हो रहा है, और के से कनेक्ट हो रहा है, मतलब ट्रेन के सारी बोगीज जो है वो कनेक्टेड हैं, और सबको कौन लेके जा रहा है, वर्ब ट्रेन का इंजन, वर्ब ट्रेन का इंजन ये पूरी ट्रेन को खींचकर ले जा रहा है. तो ये वाली ट्रेन भी आपको समझ में आ ही गई होगी, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है अच्छे से, है ना. अब एक और ट्रेन है, ये कौन सी ट्रेन है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं.
Next train is adjective train. Yes, next train is adjective train. चलिए अब वर्ब की ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली गई, अब बारी है एडजेक्टिव ट्रेन के आने की. तो पहले ट्रेन बना लेते हैं. चलिए हमारी ये एक जो ट्रेन है वो बनके तैयार. ठीक है, हमारी जो ट्रेन है वो रेडी है और इस ट्रेन का नाम है एडजेक्टिव ट्रेन. मतलब इसमें जो भी वर्ड्स होंगे वो क्या होंगे, एडजेक्टिव. इस ट्रेन में जो भी वर्ड बैठेगा वो क्या होगा, वो एडजेक्टिव होगा. और वो भी बाथरूम की तरह, जैसे बाकी ट्रेन में था, आपस में सब कनेक्टेड होंगे. एक वर्ड जो स्टार्ट होगा उसके लास्ट लेटर से अगला वर्ड की स्पेलिंग शुरू होगी. ठीक है, एक वर्ड जहां पे एंड करेगा, जिस लेटर से एंड होगा, अगला वर्ड उस लेटर से स्टार्ट होगा. चलिए पहले करके देख लेते हैं. फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल. मैं नीचे स्पेलिंग लिख देती हूं. हमारा फर्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल. मतलब कि ये स्पेलिंग कहाँ खत्म हो रही है, एल पर खत्म हो रही है ना. ब्यूटीफुल की स्पेलिंग के लास्ट में आता है एल. मतलब नेक्स्ट जो लेटर है वो एल से स्टार्ट होना चाहिए और वो एडजेक्टिव होना चाहिए. ठीक है, क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव होना चाहिए. मतलब एल से कौन सा एडजेक्टिव शुरू हो सकता है, एल फॉर लायन. नहीं, लायन तो नाउन हुआ ना, तो एल फॉर लवली हमारा एडजेक्टिव हो सकता है, लवली या फिर लिटिल भी हो सकता है. ठीक है, लवली या लिटिल. चलिए हम लिख लेते हैं लिटिल. लिटिल मतलब छोटा है ना, और स्मॉल चॉक, जैसे स्मॉल चॉक, चॉक कैसा है, लिटिल चॉक. लिटिल बेबी, बेबी कैसा है, लिटिल है. तो जो एल से ये हमारा स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हुआ एल से और एंड कहाँ पे हुआ, ई से. मतलब जो नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, जो नेक्स्ट वर्ड है वो शुरू होना चाहिए ई से. ठीक है, वो ई से स्टार्ट होना चाहिए. नेक्स्ट वर्ड शुड स्टार्ट विथ ई. ओके, ई से स्टार्ट होगा. कौन सा वर्ड होगा जो ई से स्टार्ट होगा और वो एडजेक्टिव भी होगा. ई फॉर एनर्जेटिक, ई फॉर एलिगेंट. तो लिखेंगे हम फॉर एलिगेंट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंट, ई फॉर एलिगेंट, एलिगेंट लेडी. एलिगेंट इज एन एडजेक्टिव यूज होता है. तो हमने ये ई से एंड हुआ और ये ई से स्टार्ट हुआ है ना. ये एल से एंड हुआ, ये एल से स्टार्ट हुआ. ये ई से एंड हुआ, ये ई से स्टार्ट हुआ. तो नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा टी से स्टार्ट होना चाहिए है ना. टी से हमें कोई एडजेक्टिव सोचना है
और उसको फिर नेक्स्ट वर्ड में हम लिखेंगे. टी से क्या एडजेक्टिव हो सकता है? टी से टॉकेटिव. शी इज अ टॉकेटिव गर्ल. ही इज अ टॉकेटिव बॉय. टॉकेटिव इज एन एडजेक्टिव. जो बहुत बातूनी होता है उसको बोलते हैं टॉकेटिव. हमारा वर्ड है टॉकेटिव. हमारा वर्ड क्या है? टॉकेटिव. आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमारा जा रहा है. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज जो यहां पर हम डाल के देखते हैं टॉकेटिव. ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है. नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा फिर से हमें ई से ही चाहिए. नेक्स्ट वर्ड शुड ऑल्सो स्टार्ट विथ ई और वो एडजेक्टिव होना चाहिए. तो ई से और एडजेक्टिव आप सोचिए क्या हो सकता है? एनर्जेटिक. देखिए ई से स्टार्ट, ये ई से एंड हुआ और ये ई से स्टार्ट हुआ, है ना? टॉकेटिव और ई के उससे स्टार्ट हुआ एनर्जेटिक. तो इस तरह से हमारी जो है एडजेक्टिव ट्रेन भी रेडी हो गई. आई होप ये ये जो एक्टिविटी है ये आपको समझ में आ गई होगी. चिल्ड्रन वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 19 ऑफ योर सुपर इंग्लिश ग्रामर बुक. आज हमने इसे भी कंप्लीट कर लिया. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद अ न्यू यूनिट. ओके, और इसमें इस एक्टिविटी में किसी भी एक्टिविटी में इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन क्लियर दोज डाउट. ओके, थैंक यू.